स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने गुरुवार की सुबह ज्ञानवापी मस्जिद की 14 से 16 मई तक की रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट को कोर्ट ने सुरक्षित अपनी कस्टडी में रखते हुए इस मामले में 23 मई सोमवार की अगली तारीख दे दी है। कोर्ट ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद लिया है, जिसमें वाराणसी कोर्ट में किसी भी सुनवाई को रोक दिया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुबह स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल कुमार सिंह ने नक्शा और रिपोर्ट के साथ ही तीनों दिनों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से संबंधित साक्ष्य जमा किए थे। जिस जज ने लिपिक इंदु शेखर सिंह को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित करने का आदेश दिया था और इस संबंध में 2 बजे सुनवाई का समय दिया था। दोपहर 2 बजे कोर्ट ने आदेश करते हुए लिखा कि पत्रावालियां प्राप्त हुई हैं। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चूंकि उच्चतम न्यायालय में इस मामले में कल सुनवाई होनी है, अतः 23 मई 2022 को न्यायालय अब इस संबंध में और याचिका संख्या 80 और 82 पर सुनवाई करेगा। आज सुनवाई होनी थी लेकिन 23 मई को चली गई है, क्या कहेंगे? न्यायालय का अपना है, न्यायालय ने सोमवार को दे दिया है। चलिए, जैसे इतना लंबा इंतजार वैसे 2 दिन और सही। अगर बात की जाए तो जिस तरह से प्रमाण मिल रहे हैं और मुस्लिम पक्ष भी आरोप लगा रहा है कि नहीं, वो लोग जो आप लोग वादी पक्ष लोग लगा रहे हैं वो प्रतिवादी पक्ष भी झूठा आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को खुद पता है कि वो क्या है। मुस्लिम पक्ष को तो अगर वो भाई भाई बोलते हैं, आगे बढ़ के खुद बोल देना चाहिए कि ये आपका चीज है, आपका मंदिर है, आप ले लो, लेकिन वो लोग मस्जिद पे अड़े हुए हैं। वो तो कह रहा है मेरी मस्जिद है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मस्जिद पे अड़े हुए हैं। उन्हें तो खुद आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि आपका है, आप ले लो। अगर भाईचारे का इतना उनको जो है कि लगता है कि हम लोग भाईचारा निभाते हैं तो निभाना चाहिए, खुद पढ़ के दे देना चाहिए। देखिए, कमीशन रिपोर्ट थी और जो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उनके आसपास मलबे हटा करके उनका स्पष्ट रिपोर्ट आने की, लंबाई चौड़ाई नाप करके आने की बात थी। कुछ बल्ली बांस ईंट पत्थर करके था और एक अधिवक्ता सरकारी द्वारा दिया गया था कि उस वहाँ जो जहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुए हैं वहाँ लोग वज्जू करते हैं, वहीं लेटरिन बाथरूम है और वहाँ पाइप आगे हटाने की मछलियाँ हैं। तो मैंने आप चीज़ों पर मुझे आपत्ति है, मछलियाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, मछलियों कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ वजू न करें और उन पाइप हटाया जाए, क्योंकि साक्ष्य सबूत की बात है और उनका कथन आ रहा है कि शिवलिंग नहीं या फुहारा है। तो अगर एक भी पाइप हटाएंगे तो कहेंगे मैं उसी दिन उस फुहारा की पाइप हटा दिया था, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए पाइप कमीशन को हटाया गया है। आप लोग फिर मांग कर रहे हैं कि जो 7 और 8 को जो उनकी रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें फिर सहायक बनाया जाए। देखिए, सहायक 7-8 की जो रिपोर्ट है, 7-8 की रिपोर्ट नहीं है, 6-7 की रिपोर्ट है। 6-7 की रिपोर्ट अजय कुमार मिश्रा द्वारा अपने सहयोगी के साथ अकेले कमीशन कार्रवाई की गई है और वह रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर दिए हैं और वह सिर्फ वही कमीशन कार्रवाई किए हैं। अगर दाखिल नहीं करेंगे, उनका पुष्ट नहीं होगा तो कमीशन कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी, वो विधिक त्रुटि हो जाएगी। इसलिए मांग करना और उनके द्वारा दाखिल करना न्यायोचित रहा। आज जिस तरह से रिपोर्ट पेश की गई है, लगभग 1000 फुटेज से ऊपर और वीडियोग्राफी, क्या कहेंगे इसकी? सही है। कुछ साक्ष्य अपने ओर से बताएंगे? मैं उसमें कमीशन कार्रवाई में स्वतः साथ में था तो मैं तो आंख से देखा हूँ कौन कौन साक्ष्य फोटो लिया गया है, क्योंकि किन किन बिंदुओं पर हम लोग भी तो वहाँ उठा रहे थे, यहाँ पर लीजिए। लेकिन देखिए, न्यायालय संज्ञान ले लिया, आपको सामने आ जाएगा, लेकिन मान करके चलिए कि बहुत सारे साक्ष्य हैं और मंदिर साबित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त हैं और साक्षात शिवलिंग मिल गए हैं, तो अब तो वो साक्ष्य उसके सपोर्ट में आ जाए। अगर आप एक तरह से अधिवक्ता हैं जिस तरह से रहमान फारूक, न्यायालय तो भाई आप किसी फोटोग्राफर ने जो है सहायक ने लीक कर दिया था 2-4 साक्ष्यों को, इसलिए उस पर जो संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने स्पष्ट जो है। अगर बात की जाए तो कल जुम्मा है और कोर्ट ने भी दिया है कि नमाजियों को नमाज के पे कहाँ रोक लगा है? रोक तो उस जो है शिवलिंग जहाँ पाया गया है वहाँ वजू करने के लिए रोक लगाई गई है, इसलिए जो है रोक नमाज तो पढ़ेंगे नहीं। 20 पहले संख्या थी, उस 20 संख्या को हटा दिया है न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज पढ़ें तो हो सकता है जितनी संख्या हो शासन प्रशासन व्यवस्था सुरक्षा देख के ही आगे। हाँ, नमाज पे कहीं कोई रोक नहीं, नमाज वो पढ़ेंगे।
कमिश्नर रिपोर्ट अब क्या बदलने, वो आगे काफ़ी मामला अब सब ये सब समाप्त, कमिश्नर ने अपने रिपोर्ट सौंप दिया, अब कमिश्नर बदलने न बदलने की बात, अब कमिश्नर का काम तो खत्म हो गया, अब कहाँ, इसलिए और भी सर्वे हो सकते हैं। अब ये न्यायालय पर हम तो भाई भाई बहुत से सर्वे हम तो मांग करेंगे ही, लेकिन अब ये आगे न्यायालय तय करेगा ना कि अब आगे होगा नहीं होगा क्या होगा। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, वादी अधिवक्ता। चूँकि मैं मुकदमे का माहिर हूँ और ये सब मुकदमा के पैरोकार हम ही, हम इन महिलाओं को इकट्ठा किए हैं, चार वादी महिलाओं को, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक को, इसके पहले 95 मुकदमे का मैं वादी हूँ और उसमें भी जो है जांच कमीशन कराया था 18 मई 1996 का जो है। तो अब प्राय जैसे ही ऊपर गुम्बद की बात आई, वह गुम्बद मंदिर के दीवालों पर था, इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोई वजूद, मतलब ये माने कि मंदिर के ढांचे पर ही मस्जिद बना। हाँ, आपको दीन मोहम्मद के फैसले बतला दिए कि जब उनका रहा तो उसे फैसला आया कि अगर ढांचा टूट गया तो फिर मुस्लिम समाज को बनाने का हक नहीं है, यदि बनाता है तो हिंदुओं के समर्थन से बनाएगा। ये दिन मोहम्मद के बस उन्नीस सदी से फैसला है। सुहेल लाल जी, एक क्वेश्चन लास्ट है, जिस तरह से आज रहमान फारूक ने बयान दिया है, हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद पे अगर जिस तरह से अगर कुछ लगा और बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई तो हम लोग जान पर उतर आएंगे, जान पर उतरें या जाए उनकी, इससे हमसे मतलब, हमारे गौरव शानदार संस्कृति संस्कृति और विरासत की हम अवहेला सह नहीं सकते, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करता अपने गौरव शानदार संस्कृति की उपेक्षा का जो है, कितना बर्दाश्त करेंगे हम। 8 अगस्त 1669 से सब्र करते करते अब हम हिंदुओं का सब्र टूट चुका है।